चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। द मासेस ऑफ 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन 20 किलोग्राम मास एट द इंस्टेंट शोन। द 10 किलोग्राम मास हैज एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलोग्राम मास? देखो 20 किलोग्राम वाले मास पे 200 न्यूटन का फोर्स इधर राइट साइड में लगाया गया और उसकी वजह से 10 किलोग्राम वाला मास जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इस 10 किलोग्राम वाले मास की रिक्वायरमेंट कितनी है फोर्स की? तो एम इंटू ए हम कहेंगे, मास कितना है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 120 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है इसकी। तो 200 न्यूटन तो लगाया गया, तो उसमें से 120 तो यही ले ले रहा है, तो बचा कितना 80 न्यूटन, तो 80 न्यूटन इसको मिलेगा। अब इस 80 न्यूटन से ये 20 किलोग्राम वाला मास कितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा? तो एफ इजिकल टू एम ए लगाया, 80 न्यूटन का फोर्स 20 किलोग्राम वाले मास को मिला, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस केस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो बचा हुआ फोर्स है 80 न्यूटन, उससे 20 किलोग्राम वाला मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो ये बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ।